बिस्में लखमा वी आर डूइंग एडवास्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटी जिसमें हम इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की बात करेंगे स्वैप की हमने ब्रीफ डिस्कशन पहले भी की हुई है बट ये क्योंकि स्ट्रेटजीज का पार्ट है तो दैट्स वी हैव टू रीटच इट और इसमें कुछ फर्दर इम्प्लीकेशन भी यहाँ पे आएंगी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट स्वैप स्वैप कैन ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वन टाइप ऑफ फ्लोटिंग रेट फॉर अनादर विच इज कॉल्ड बेसिस स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर एक्सचेंज ऑन वन सेट ऑफ कैश फ्लो फॉर एन अदर के दो स्ट्रीम्स को आप जब स्वैप करते हैं स्वैप का मतलब क्या है चेंजिंग योर पोजिशन बिकॉज दे ट्रेड ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट आर बिटवीन टू और मोर पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन कस्टमाइज होते हैं इनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है तो ये एज पर योर नीड आपके डिवेलप किए जाते हैं इट कैन ऑल्सो भी कस्टमाइज इन मैनी डिफरेंट वेज उनकी फ्लैक्सीबिलिटी होती है बिकॉज इट्स टेलर मेड तो इट्स एज पर योर नीड

मतलब क्या कि आपने फिक्स लिया हुआ है आप फिक्स दे दें किसी को और फ्लोटिंग वाला खुद ले लें या आपका फ्लोटिंग है आप फ्लोटिंग दे दें दे और फिक्स ले लें या दो फ्लोटिंग दो फ्लोटिंग हो सकते हैं यस वी विल जस्ट सी हाउ इट गो स्वैप रेट इज द फॉरवर्ड रेट इज द फिक्स रेट नॉर्मली जब स्वैप रेट की बात की जाती है तो ये फिक्स लेग का रेट है कि वो फिक्स रेट क्या है जो कि पे करना है और फ्लोटिंग तो डेफिनेटली वेरी करेगा विद द नीइंग जो बेंच मार्क है उसके साथ टाइप्स ऑफ स्वैप कर स्वैप विच कैश फ्लो वन करेंसी आर एक्सचेंज विद कैश फ्लो ऑफ एन अदर यानी कि दो डिफरेंट डॉलर और पाउंड हो जाती है या पाक रुपीज और ये इट कुड बी एनी करेंसी विच कुड बी स्वैप एन अ पर्टिकुलर मोड और वो फॉर एनी पर्टिकुलर लाइफ बेसिस स्वैप्स इस कैश फ्लो बोथ लेग्स रेफर टू डिफरेंट फ्लोटिंग पहली बात की थी कि दो फ्लोटिंग रेट कैसे हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि दोनों की बेंच मार्क बेस फर्क हो जाए एक कराची इंटर बैंक ऑफरेट हो एक लंडन इंटरबैंक ऑफरेट हो जाए और दोनों को स्वैप कर लें यानी कि दोनों की डायनेमिक्स जो बेसिस हैं वो वेरी कर जाए तो उसके थ्रू ये स्लैग्स हैं दोनों फ्लोटिंग लेकिन दोनों की डायने आपका लाइबोर का रेट है और आप काइबोर पे जाना चाहते हैं किसी और के पास काइबोर है वो लाइबोर पे आना चाहता है तो यू कैन स्वैप योर पोजीशन सो दिस वे हाउ इट गोज इंटरेस्ट रेट स्वैप इज वेयर कैश फ्लोज आर एक्सचेंज एट द रेट फिक्स फॉर अ फ्लोटिंग नॉर्मली ये साइकिल इसका चल रहा होता है बिटवीन टू पार्टीज हु फ्यूचर पेमेंट्स पैटर्न की वो डिसाइड कर लेते हैं कि जी हम आगे से ये पेमेंट करेंगे स्ट्रीम

आप बैंक पे गए बैंक ने आपको कहा के प्लस फोर देंगे उसका मतलब टू परसेंट इज बिग डिफरेंस तो बेहतर है कि वो वाली पार्टी फ्लोटिंग ले ले आप अच्छा सा फिक्स रेट ले लें एंड देन यू स्वैप सो दिस इज हाउ इट्स विन विन फॉर बेनिफिश इन इंटरेस्ट रेट स्वैप अ फिक्स अमाउंट इज एक्सचेंज एट स्पेसिफाइड रेट विद रिस्पेक्ट टू बेंच मार्क्स एट एज लाइबोर भी हो सकता है लाइबर माइनस पॉइंट टू फाइव भी हो सकता है यानी कि प्लस, फोर, तो के प्लस ही होना है माइनस का भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं ये बड़ी कंपनीज जो हमारी हैं ये डिस्काउंट रेट माइनस में नॉर्मली बोरोइंग कर रही होती हैं सम टाइम इट मे बी एक्सचेंज रेट एसोसिएटेड विद फिक्स पोर्शन ऑफ करेंसी स्वैप करेंसी के साथ भी ये एलिमेंट को बिल्ट इन करके दोनों चीजें इकट्ठी भी मूव होती हैं

हाँ करेंसी के केस में एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ कैश भी होता है बट नॉर्मली अदरवाइज ये नहीं होता एग्जाम्पल्स ओवर नाइट इंडेक्स स्वैप फिक्स वर्सेज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओवर नाइट माइबर इंडेक्स एक ने फिक्स ले लिया दूसरे ने इसी तरह फिक्स वर्सेज वन ईयर आई एन बी के एम के रेट तो किसी भी बेस रेट के साथ आप उसको लिंक करके स्वैपिंग हो सकती है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट के भी आगे अंदर फर्दर टाइप्स हैं सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज प्लेन वनीला जिसकी हम पहले भी बात करते आए हैं वो ये है कि एक फिक्स रेट इज एक्सचेंज फॉर अ फ्लोटिंग रेट तो प्लेन वनीला उसको कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ये वाइस वर्षा दोनों मोड में होता है क्या आप फिक्स टू फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स बोथ वे में ये वर्क बेसिस स्वेप इन द केस ऑफ फ्लोटिंग इज पॉसिबल टू एक्सचेंज बोथ लैग ये दोनों फ्लोटिंग है इसमें एक तरफ हमने कहा था कोई और बेंच हो सकता है दूसरी तरफ कोई और बेंच हो सकता है अमोटाइजिंग स्वैप अमोटाइजिंग स्वैप की नेचर थोड़ी सी फर्क है कि इसमें जो नोशनल प्रिंसिपल की अमाउंट है वो तो ग्रेजुअली कम कुछ जैसे आप लोन बैंक से लेते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपने 20 साल में इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है आपका लोन सारा खत्म हो जाएगा ये नहीं कि सारा लोन एंड में देना है सिर्फ इंटरेस्ट दें तो उसके लिए फिर आपको स्वैप भी उसी तरह का देना होगा जो कि जिसमें आ रही हो। case, जैसे वाले जो होते हैं कि आपने इंटरेस्ट भी अभी नहीं देना वो भी अप होता रहता है और एंड में सारे पैसे वापस देने हैं तो उसके लिए फिर स्टेप अप टाइप्स ऑफ स्वैप्स कुड भी देयर मोटाइजिंग एज वेल एज स्टेप अप एक्सटेंडेबल एक्सटेंडेबल जिनकी लाइफ एक्सटेंड की जा सके यानी कि चॉइस हो कि हम अभी तीन साल के लिए जाएंगे बट पार्टीज विल हैव चॉइस टू इट टू से अनदर ईयर तो इसमें एक राइट आ जाता है टू फर्दर एक्सटेंड तो ये एक्सटेंडेबल एंड लास्टली डिलेड स्टार्ट स्वैप और डेफर्ड स्वैप यानी कि ये हम कहें कि हम ये एक एग्रीमेंट में हम जा रहे हैं लेकिन ये अभी नहीं हम करेंगे वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम इसको डेफर्ड या फॉरवर्ड स्वैप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा बट उसके जो ट्रिगरिंग पॉइंट है दैट कुड बी सम टाइम लेटर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पार्टीज़ क्योंकि हमने कहा था कस्टमाइज है तो एज पर योर नीड ये सारा स्ट्रक्चर इसका हो सकता है तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्वैप्स विच आर गोइंग टू वर्क और इंटरेस्ट रेट्स में ये सारी मूव करती हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं टू सेफ गार्ड टू अर्न इंटरेस्ट थैंक यू